चलिए साथियों, सम्माननीय साहब ने हमारे बहुत ही शानदार विचारधारा का उल्लेख किया है अभी उन्होंने, और बहुत ही अच्छी बातों को बताया सभी का। उन्होंने सभी का जो विचारधारा रहा, जिस विचारधारा के साथ हम सभी ने काम किया, उस पर उन्होंने फोकस किया, चर्चा किया। तो सम्माननीय साथियों, एक बार पुनः आप सभी सम्माननीय साथियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ आज की इस ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में, जो अभी हमारे सभी सम्मानित साथी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार बारी बारी से आप सभी के नाम पुकार देता हूँ। हमारे साथ अमल साई अगरिया जी जुड़े हुए हैं, शानदार सामाजिक कार्यकर्ता साथी, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, आज पहली बार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हम विकेश अगरिया जी जुड़े हुए हैं, शानदार युवा साथी जिला सूरजपुर से, बधाई हो भैया, बहुत ही शानदार कार्यकर्ता हैं आप। ये हमारे साथ अर्जुन राम अगरिया जी जुड़े हुए हैं, बधाई हो भैया आपको, बहुत ही शानदार साथी, सूरजपुर जिले में बिल्कुल कमान संभाले हुए हैं, सूरजपुर जिला को जगा रहे हैं, आपको संगठन पर गर्व है। और ऐसे ही हमको अपने जैसे वीर कार्यकर्ता योद्धा साथी अपने ज़िले में हमको अपने समाज के लिए साथियों तैयार करना है। हमारे साथ दीवान सिंह महोदय जुड़े हुए हैं जिला पेंड्रा से, बधाई हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हैं इस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में। आप बोलिएगा जरूर नहीं, पर सुनिए जरूर आज जुड़ के, मेरा यही रिक्वेस्ट और यही निवेदन है। और पेंड्रा जिला के उत्थान विकास के लिए, क्योंकि हम सब ये संगठन अगर यह समाज के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे झारखंड का हो, लेकिन यदि जब तक कोई लिंक नहीं मिलती है तब तक वो पकड़ नहीं बन पाती है, इसलिए हम चाहते हैं आज आप आए हैं, तो जरूर आप सुनिए। हमारे साथ जागेश्वर अगरिया जी सरगुजा से जुड़े हुए हैं, बधाई हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी मीटिंग का आयोजन किया जिला सरगुजा में। हमारे साथ आदरणीय लाल बहादुर अगरिया जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी सरगुजा से आप जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दें, बहुत ही शानदार कार्यक्रम सरगुजा में हुआ है। लल्लू राम अगरिया जी सरगुजा से जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। रघुनाथ अगरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं जिला बलरामपुर से, और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर साथियों, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हमारे साथी हमारे बीच में आते रहते हैं, हमारे कोर मेंबर्स हमारे बीच में जुड़ते हैं, तो एक हौसला मिलता है सभी कार्यकर्ताओं को, भारत के जो कोने कोने से जुड़ते हैं इस मीटिंग में, उनका एक हौसला बढ़ता है, इसलिए सभी को जुड़ना इस मीटिंग में अनिवार्य होता है। इसी के साथ ही हमारे बीच में मैडम अनीता अगरिया जी आ चुकी हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में आने के लिए, थैंक यू सो मच आपका। और हम चाहते हैं कि आपके साथ कम से कम 5 महिला शक्ति इस संगठन की मीटिंग में आए, तो बहुत ही अच्छा होगा, आपके जज्बे को सलाम करता है ये संगठन। और वीरांगना महिला शक्तियों के जज्बे और कार्य को भी नमन करता है ये संगठन। साथियों हमारे साथ सम्माननीय राम खिलावन अगरिया जी जुड़े हुए हैं, महोदय जी उनके लिए भी तालियां बजा दें, अभी आपने उनके विचारों को आपने सुना है साथियों। इसी के साथ सम्मानियों हमारे साथ राम शरण राम जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आदरणीय सुबोध कुमार अगरिया अंबिकापुर से जुड़े हुए साथी, जोरदार तालियां बजा रहे हैं, अभी कई जगह वो सामाजिक मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ता साथियों को ये संगठन नमन करता है। हमारे साथ आदरणीय सुखित लाल अगरिया जी जुड़े हुए हैं सर, जोरदार तालियां ऐसे कार्यकर्ता साथियों के लिए, बहुत ही शानदार कार्यक्रम करवाया उन्होंने अभी अपने जिले में। आदरणीय सूरज लाल मरावी जी जुड़े हुए हैं, उमरिया जिला के जिला अध्यक्ष महोदय, जोरदार तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन होना चाहिए साथियों, बहुत ही अच्छे सकारात्मक और जुझारू समाज के व्यक्ति हैं। हमारे साथ विजय भैया जुड़े हुए हैं जिला सूरजपुर से, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें साथियों, बहुत ही शानदार कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ विजय अगरिया उमरिया से जुड़े हुए हैं साथियों, उमरिया जिला सचिव, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, बहुत ही शानदार कार्यकर्ता साथी, बिल्कुल उमरिया जिले को समेट कर रखे हुए हैं, बिखरने नहीं देते हैं, बहुत ही पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति हैं। हमारे साथ अन्नू अगरिया जी जुड़े हुए हैं जिला कबीरधाम से साथियों, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। इसी के साथ हमारे साथ इतवार अगरिया जी जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें साथियों। और इसी के साथ ही साथियों मैडम लक्ष्मी अगरिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें, शानदार महिला कार्यकर्ता, शानदार मोटिवेटर, और हम उनको वीरांगना कहते हैं, और महिलाओं के लिए हम वीरांगना योजना लाने जा रहे हैं, शीघ्र ही उसका जो गति। ऐसे सभी सम्मानित साथी जो जुड़े हुए हैं आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में, उनका आभार प्रकट करता हूं साथियों, आपके जज्बे और आपके जोश और आपके जुनून को इस समाज के प्रति ये संगठन नमन करता है साथियों। आप एक आने वाला इतिहास रच रहे हैं, और अगरिया समाज के इतिहास में आपका नाम बहुत ही सुनहरे और अक्षरों से लिखा जाएगा, और आने वाले इतिहास में आपका नाम बड़े आदर और सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। साथियों जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, ये जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है, ये हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि इस वरदान यानी इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग से हमने इस संगठन को तैयार किया। आप जैसे सामाजिक वीर योद्धा इस मीटिंग में आए,
और एक समाज को एक दिशा दिया है आपने, और दिशा देने के बाद एक सोच को जन्म दिया है आपने, और ये सोच जो है आज पूरे भारत की सोच बन चुकी है। इसके लिए आप सभी को बधाई हो साथियों, बहुत बहुत बधाई हो। आज अगर यह समाज संगठन भारत यानी राष्ट्रीय लौह प्रगलक, अगर यह समाज संघ लौह प्रगलक महासंघ भारत आज भारत के हर अगर यह जनजाति के सोच में, दिल में, दिमाग में बैठ चुका है। हर व्यक्ति देख रहा है कि आखिर इतना बड़ा मंच जो है अगर यह समाज का है, और हर अगर यह समाज का व्यक्ति आपके इस संगठन पर गर्व करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ूं। जिस व्यक्ति को भी ये ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है तत्काल इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने इस कार्य को अंजाम दिया, आपने इस कार्य को इतना बड़ा मंच बना दिया, आपने इस संगठन को सब सोच बना दिया, यानी आपने इतना बड़ा मंच तैयार कर दिया कि साथियों इसके कार्य को भूला नहीं जा सकता है। और आपने वो वृक्ष लगा दिया साथियों, वो पौधा का रोपण कर दिया है आपने, जो आगे चल के मान लीजिए कि आपका आने वाली जो पीढ़ी है और उसकी पीढ़ी है और पीढ़ी की पीढ़ी, अब ये सोच कभी ख़त्म नहीं होगी। इसका फल आपकी आने वाली पीढ़ी खाती ही रहेगी साथियों, क्योंकि एक विचार का जन्म हो चुका है। साथियों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि मार्च 2022 में हुए मीटिंग पर सभी नोडल महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करेंगे, स्वागत करेंगे और अपने अनुभव और अपने विचारों को हम शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, सबसे पहले तो साथियों मैं उन सभी सम्माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को बधाई देता हूँ इस संगठन की ओर से। मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसे कोई नए कार्य होते हैं संगठन में, इस तरीके का जोश जब देखने को मिलता है आपका, इस तरीके का जुनून इस समाज के लिए मिलता है कि समाज के उत्थान एवं विकास के लिए, जब मैं देखता हूँ कि लोग यार इतना जुझारू हैं, इतना समर्पित हैं, जो अपना समय और पैसा धन दोनों का योगदान कर रहे हैं। साथियों आप सभी ने अपने धन का, अपने समय का आपने खर्च किया, जो वाकई में काबिल तारीफ है। और एक दिन ये समाज के इतिहास में ये अवश्य आप लोगों का ये कार्य अमर होगा। साथियों हम ऐसे जिलाध्यक्ष महोदय का आभार मानते हैं जिन्होंने संगठन के विचारधाराओं का सम्मान करते हुए आपने अपने ज़िले में मीटिंग का ऑर्गेनाइज कराया, अपने ज़िले से सभी सामाजिक बंधुओं को संगठित किया और सभी को संगठन की विचारधाराओं से अवगत कराया। क्योंकि साथियों हम सब जानते हैं कि ये मार्च माह जो 2022 में ये मीटिंग संपन्न हुआ है, इसका उद्देश्य और मकसद ही था कि संगठन के अंतर्गत जितने भी ज़िले जुड़े हुए हैं उन सभी ज़िलों में संगठन की गतिविधियों और उद्देश्यों को पहुँचाना है, और जिससे लोग समझ सकें कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन किस विचारधारा के तहत इस समाज में कार्य कर रहा है, इस संगठन का उद्देश्य क्या है, इस संगठन की विचारधारा क्या है। साथियों मैं यही हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, आप जब भी बात करें राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगर यह समाज महासंघ भारत का नाम अवश्य लें, क्योंकि जब तक आप राष्ट्रीय लौह प्रगलक अगर यह समाज महासंघ भारत का नाम नहीं लेते हैं तो कहीं कहीं वो जो वक्तव्य, वो जो विचार जो हम उद्बोधन करते हैं वो अधूरा सा लगता है साथियों। इसलिए उस सोच को आपको लाना है, क्योंकि हम अगर यह समाज संगठन भारत के एक समर्पित कार्यकर्ता है, हमको बताना है तभी लोग उस विचारधारा में आएंगे। क्योंकि साथियों कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से किसी से जुड़ता नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी से जुड़ता है तो वो उस सोच से जुड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, उस संगठन से जुड़ता है, भले ही माध्यम हम हों, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है समाज में, संगठन में आ रहा है तो वो उस विचार के लिए आता है, उस विचार से वो जुड़ रहा है, हमसे आपसे नहीं जुड़ रहा है वो। लेकिन इस संगठन में जब आता है तो चूंकि जानते हैं आप कि संगठन एक परिवार होता है, और जब व्यक्ति कोई आ जाता है इस मंच में तो इस परिवार का सदस्य हो जाता है, और जब परिवार का सदस्य होता है तो सभी एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं और सभी का रिश्ता बन जाता है। साथियों इसी तरीके से ऐसे सम्माननीय नोडल अधिकारियों को सादर वंदन और उनका स्वागत, चरण वंदन भी कर रहा हूँ। साथियों आपने इतना जबरदस्त, जोरदार, शानदार, इतना शानदार काम किया है साथियों कि उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने प्रत्येक ज़िले में गए, आप इस समाज के उत्थान एवं विकास के लिए आप गए वहाँ, आपने प्रत्येक जिला में जा कर के लोगों को जगाया,
आपने लोगों को संगठित करने के लिए अपने समय का दान किया, अपने आर्थिक दान किया है आपने, आप आए आए गए व्यय किया है आपने, अपना आर्थिक वहन किया है आपने। साथियों ये वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। हर व्यक्ति जिनकी भी ड्यूटी नोडल में लगाई गई थी, किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सर मेरी ड्यूटी आपने क्यों लगा दिया, मैं नहीं करना चाहता हूँ। साथियों एक बार में लिस्ट जारी हुआ और आपने एक बार में उस लिस्ट को बिल्कुल पत्थर की लकीर मानते हुए आपने उस जगह पर अपना कार्य को अंजाम दिया। साथियों आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और आप जैसा कार्यकर्ता अगर यदि इस ऑर्गेनाइजेशन में है तो इस संगठन के उत्थान एवं विकास को कोई रोक नहीं सकता है। इस समाज को, इस संगठन को समाज के अंतिम छोर तक व्यक्ति तक पहुंचाने में अब समय नहीं लगने वाला है और इस समाज के उत्थान एवं विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों बस हमारी विचारधारा इस समाज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि समाज में क्या चाहिए साथियों, समाज के विकास के लिए एक समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय जो होता है बहुत बड़ा होता है। जिसने समय का दान कर दिया समाज में साथियों, उससे बड़ा कार्यकर्ता कोई नहीं होता है साथियों। और आप सभी जानते हैं कि समाज के उत्थान विकास के लिए समय एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। जिसने समय का दान कर दिया समाज के लिए वो व्यक्ति समर्पित अमर हो जाता है साथियों, क्योंकि उसकी विचारधारा जो होती है समाज के लिए होती है, इसीलिए समय का दान करता है। साथियों आज हम आपको इस मीटिंग में ऐसे सभी जिले जहां पास कार्यक्रम हुए हैं सभी के हम आपको फोटोग्राफ्स दिखाने वाले हैं, जिससे आपको बीते हुए पल जो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को ख़त्म हुआ है वो आपको देखने को मिले, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, आपके अंदर एक और खुशी जागे कि वाह हमने क्या कार्य किया है। तो आपके चेहरे पर मैं चाहता हूँ खुशी आए, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान तो मेरे भी चेहरे पर मुस्कान आता है साथियों। इसलिए मैं उस छाया चित्र को मैं संभाल के हमेशा रखता हूँ कि उस जो अगर हम वो चीज़ जो हमको थोड़ी सी खुशी दे सके तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। इससे पहले साथियों बताना चाहूँगा, ऐसी हमारी वीरांगनाएँ महिला शक्तियाँ जिन्होंने आज पूरे भारत स्तर पर सामाजिक संगठन को हिला के रख दिया, एक बार अपने जगह में बैठ के लिए महिलाओं के लिए जोरदार तालियां बजा दे साथियों, अपने जगह में बैठे बैठे हमारी महिला शक्तियों के लिए साथियों पूरा संगठन हिल गया। आज समस्त महिला शक्तियों के अदम्य साहस से, उनके अदम्य साहस को ये संगठन सलाम करते हैं करता है। मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। ऐसी महिला शक्तियाँ को देख करके एक प्रेरणा मिलती है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अगर यह समाज में पैदा हुआ हूँ और ऐसे महिला शक्तियों वीरांगनाओं के बीच में मैं आज इस सामाजिक संगठन का संचालन करने का मुझे अवसर मिल रहा है जहाँ इस तरीके की महिला शक्तियाँ हैं। साथियों आज महिला शक्तियों की भूमिका जिस तरह से इस संगठन और समाज को आगे लेकर जाने के लिए हुआ है वाकई में सलामी देने योग्य है। साथियों आज संपूर्ण भारत में महिला शक्तियों के अदम्य साहस और सामाजिक उत्थान एवं विकास के लिए जो वीरांगना भरा कार्य उन्होंने दिखाया है उसके लिए उनको 100 तोपों की सलामी। मैंने इसको पोस्ट किया था साथियों, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ साथियों। वाकई में 100 तोपों की सलामी देने के बराबर है। आपने देखा पूरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हमारी वीरांगनाएँ छाई हुई हैं साथियों। अब हम उनको महिला शक्तियाँ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ में हमने उनको एक नाम दे दिया है वीरांगना। साथियों उन्हीं के हम कार्यों से प्रभावित होकर कि ये संगठन वीरांगना क्लब का आयोजन करने जा रहा है, वीरांगना योजना तैयार किया हुआ है और बहुत ही जल्द साथियों महिलाओं की गतिविधि एक्टिविटी और बढ़ेगी। यकीन मानिए आप लोग, इस वीरांगना योजना में जब हमारी महिलाएं आएंगी, इसकी योजना को जब समझेंगी कि वाकई में ये क्या चीज़ है, तो वाकई में एक ज़बरदस्त जुनून पैदा होंगी। साथियों हम चाहते हैं कि हमारी महिला शक्तियाँ, हमारी वीरांगनाएँ आगे आएँ और हमको उनको देख करके खुशी मिलती है और अद्भुत खुशी मिलती है, अपार खुशी मिलती है साथियों। तो एक बार बोल दीजिए साथियों, जय महिला शक्ति, जय भारत माता, जय अगरिया समाज। साथियों यकीन मानिए ऐसी महिला शक्तियाँ किसी संगठन में हो या ना हो, पर अगर यह समाज संगठन भारत में हैं जो आपको रात दिन मोटिवेट करते हैं, जो आपको रात दिन सामाजिक उत्थान एवं विकास के लिए कार्य करने को बताती हैं कि कैसे काम करना चाहिए, इसलिए साथियों मैं ऐसी महिला शक्तियों को सादर नमन चरण वंदन प्रणाम करता हूं। सभी साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये साथियों जिला सूरजपुर की झलक आप देख पा रहे हैं, कहाँ यहाँ हमारे जागे राम अगरिया जी, आदरणीय सुबोध कुमार अगरिया जी, आदर वीरांगना हमारी सोहरी मैम और वीरांगना हमारी दीपा मैम पहुँची हुई हैं साथियों।
और हमारे अर्जुन भाई बगल में खड़े हुए हैं, शानदार सामाजिक कार्यकर्ता साथी जिला सूरजपुर से, जो बिल्कुल विकास की गति को बढ़ा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताएं मिलकर के जो उस कार्य को कर रहे हैं साथियों, तो उनके सम्मान में एक बार तालियां आप अवश्य बजा दीजिए। जिला सूरजपुर की झलक है, वहाँ बैठे हुए हैं और देखिए बड़े शान के साथ हमारी सोहरी मैडम जी का सम्मान किया जा रहा है और हमारे अर्जुन भैया ताली बजा रहे हैं। सुबोध कुमार सर के चेहरे पर मुस्कुराहट है और हमारे बगल में अर्जुन भैया के साथ में होरीलाल सर खड़े हुए हैं। साथियों क्या बात है, कितना अच्छा लगता है ये नज़ारा देख करके। आप देख सकते हैं हमारी वीरांगना मैडम सोहरी मैडम जी को। इसी के साथ साथियों आप देखिए हमारे जागे राम गरिया जी का स्वागत हो रहा है। अर्जुन भैया बगल में खड़े होकर मंच संचालन कर रहे हैं और हमारे जागे राम जी क्या स्मार्ट लग रहे हैं साथियों। वाकई में एक नोडल कार्यकर्ता अधिकारी बनकर जाना अपने लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। तो हमारे जागे राम गरिया जी के इस समर्पण की भावना को नमन करता हूँ साथियों, और आप भी एक बार इनको नमन जरूर कर लें। बहुत ही शानदार विचारधारा के व्यक्ति हैं। इस संगठन को गर्व है कि इनके जैसा व्यक्ति इस समाज में इस संगठन के लिए कार्य कर रहा है। साथियों इनके बारे में तो क्या कहेंगे, सुबोध कुमार गरिया जी के बारे में, ये तो वाकई में हीरा हैं इस समाज के लिए साथियों। एक प्रेरणा देकर जाते हैं, हमेशा जहाँ भी जाते हैं प्रेरणा देते हैं और ये प्रेरणा से भरे हुए स्रोत हैं, और इनको देख करके सामाजिक समाज की सेवा कैसे की जाती है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इनका स्वागत हमारे दादाजी कर रहे हैं पुष्पगुच्छ दे करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये जिला सूरजपुर का नज़ारा था। इसी के साथ ही हमारी वीरांगना मैडम दीपा, इनका पुष्पगुच्छ से स्वागत हो रहा है और बहुत ही शानदार महिला मैडम वीरांगना, और इस समाज के उत्थान विकास में हमारे आदरणीय रघुनाथ गरिया जी की वाइफ हैं, और तालियां मैं बजा रहा हूं मैडम आपके लिए। यकीनन आप जैसी वीरांगना अगर इस संगठन में हैं तो यकीनन इस समाज के उत्थान विकास से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों ये हो रहा है शपथ ग्रहण कार्यक्रम जिला सूरजपुर में। अर्जुन भाई हमारे पढ़ रहे हैं शपथ ग्रहण के पूरे एजेंडे को, शपथ ग्रहण के पूरे उसको बिंदुवार पढ़ रहे हैं और सभी लोग उसको दोहरा रहे हैं। सामने बहुत सारे साथी खड़े हुए हैं, साथ में सोहरी मैडम, दीपा मैडम और जागे राम सर, सुबोध कुमार सर और होलीलाल सर और दादाजी लोग सभी खड़े हुए हैं। साथियों देख करके बहुत खुशी मिलती है, भले ही हम हमारे मोबाइल से ये फोन छायाचित्र डिलीट हो गया हो, लेकिन आज हम पुनः आपको याद दिलाते हैं तो यकीनन बहुत खुशी मिलती है। ये वो झलक है जिला सूरजपुर की, जिसने इतने बड़े कार्यक्रम को अंजाम दिया, जिला सूरजपुर में संगठन की बातों को पहुंचाया, जिला सूरजपुर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाया, जिला सूरजपुर में आपके सोच को जन जन तक पहुंचाया। ये वो पल है साथियों, अब इस पल को हमने कैद कर लिया है और ये हमेशा हमारे नज़रों में रहेगा, दिमाग में रहेगा साथियों। ये समय इस पल को कोई भुला नहीं सकता है। ठीक है साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों क्या शानदार नज़ारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये फोटो कि क्या स्मार्ट लग रहा है हमारे जागे राम सर, क्या शानदार तरीके से तैयारी करके मैडम और हमारे सर जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिली इस कम छायाचित्र को मैंने रख लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में आप अगर ये समाज के लिए जा रहे हैं, देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति किसी नौकरी में या किसी जॉब में जाता है, लेकिन देखिए आज आपके बीच में ऐसे साथी मौजूद हैं जो इस समाज के लिए इस तरीके से तैयारी करके अपना धन, अपना समय, अपना सब कुछ त्याग करके इस समय के समाज के उत्थान विकास के लिए जा रहे हैं। तो वाकई में नमन है आप लोगों को और आपके सम्मान में मेरे ओर से तालियां जरूर है साथियों, आप भी बजा देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, देख के बहुत खुशी होती है। आप ये कहाँ का छायाचित्र है, कहाँ जा रहे हैं आप जरूर जान गए होंगे साथियों। जी हाँ साथियों, ये बलरामपुर जिला जा रहे हैं हमारे आदरणीय शुक्ल प्रसाद नागवंशी जी, वहाँ के नोडल कार्यकर्ता महोदय जी जिला बलरामपुर से, शुक्ल नागवंशी जी, सुखी तगरिया जी, रघुनाथ अगरिया जी, अशोक गुरु जी और इतवार अगरिया जी। इसी के साथ हमारे साथ इतने सारे साथी जिला बलरामपुर को इस संगठन के एजेंडा से अवगत कराने के लिए साथियों जिला बलरामपुर गए। साथियों हम ऐसे वीर योद्धाओं को नमन करते हैं, बहुत प्रेरणा मिलता है सुखी सराफ से, नागवंशी सराफ से और रघुनाथ सराफ से, अशोक सराफ से, इतवार सराफ से और जितने भी इस फोटोग्राफ में देखने को मिलता है सभी से बहुत सीख मिलता है। यकीन मानिए क्या शानदार नज़ारा है, देख के दिल खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि मैं ऐसे समाज में पैदा लिया हूँ। अब जो व्यक्ति कहता है कि मैं अगर यह कहने में हिचकिचाता हूँ, तब तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं तो भाई यार इन मित्रों को देख करके गर्व से कहता हूँ कि मैं अगरिया हूँ और मुझे गर्व है कि मेरी माँ ने मुझे इस अगरिया समाज में पैदा किया। साथियों ये ऐसे सामाजिक वीर योद्धा यहाँ मौजूद हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्या बात है, जिला बलरामपुर पहुँच चुके हैं हमारे आदरणीय सुखी सर, नागवंशी सर
और देख लीजिए उनका सम्मान किया जा रहा है हमारे सम्मानीय रघुनाथ अगरिया जी के द्वारा, क्योंकि जिला बलरामपुर से बिलोंग करते हैं। इसलिए साथियों बहुत खुशी है और मुस्कुराहट है सुखी सर के चेहरे पर, नागवंशी सर तालियां बजा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये नज़ारा देख करके कि अभी का हाल का ही ये कार्यक्रम है जो जिला बलरामपुर में संपन्न हुआ है। आपने वहाँ के वीडियोज को भी देखा है साथियों, जब नागवंशी सर एजेंडा को विश्लेषित कर रहे थे वो वीडियो क्या शानदार छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा में बोले हैं कि क्या बताएं सर, जो व्यक्ति ना समझेगा ना वो भी समझ जाएगा कि कैसे मतलब एजेंडा का मतलब क्या है, ये एजेंडा क्यों लाया गया है समाज में। उन्होंने इस बात को समझा दिया कि वाकई में क्या चीज़ होता है। साथियों सुखी सर का स्वागत हो रहा है बलरामपुर में। अब ये देख लीजिए आदरणीय शुक्ल प्रसाद नागवंशी जी, क्या बात है सर, क्या बात है, आपका तो कोई जवाब नहीं, आपके सम्मान में मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं रहता, क्योंकि आपका कार्य इतना बड़ा है, वो जो आपके कार्य से जो छोटा मेरा शब्द है तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसलिए आपके कार्य और जज्बे को सलाम। साथियों हमारे नोडल महोदय हैं, इनका स्वागत हो रहा है नागवंशी जी का, और क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजा दें साथियों, क्या बात है, कहाँ का नज़ारा है कोई जानता है क्या? जी हाँ साथियों मैं ज़रूर जान रहा हूँ। साथियों देखिए कहाँ से जा रहे हैं, सुखलाल सर सीधी जिला से जा रहे हैं, और हमारे विजय भैया और हमारे भोला चाचा ये दोनों जा रहे हैं उमरिया जिला से। साथियों बहुत लंबा सफ़र था, और बहुत लंबा सफ़र यानी बाइक से आके ट्रेन पकड़ना, ट्रेन पकड़ने के बाद उसमें बैठना, फिर जाना सिंगरौली, फिर वहां से उतरना, फिर बस में चढ़ के फिर वहां तक जाना, बहुत कठिन भरा कार्य था। लेकिन ऐसे वीर योद्धाओं ने इस कार्य को अंजाम दिया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को, विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीणा उठाया और समाज के उत्थान एवं विकास के लिए कार्य किया। साथियों इनके लिए तालियां अवश्य बजा दें। देख लीजिए वहां पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हमारे सुखलाल अगरिया सर का क्या बात है, इनका एक बहुत ही खास बात होता है मित्रों, उनके एक विशेष खास बात होती है कि ये हमेशा पहले लोहासुर देवता की पूजा करते हैं। ये देखिए निहाई रखा हुआ है, घन रखा हुआ है, संसी रखा है, हथौड़ी रखा हुआ है, और पहले वो लोहासुर देव की पूजा करते हैं, इसके पश्चात ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यकीनन अपनी संस्कृति को बहुत मानते हैं सुखलाल अगरिया सर, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये देख लीजिए स्वागत चल रहा है, स्वागत का नज़ारा देख लीजिए जिला सिंगरौली में। हमारे आदरणीय शीतल प्रसाद जी वहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय हैं, और इतने सारे कार्यकर्ता साथी और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, फोटो एक साइड से खींचा गया है इसलिए इतने लोग आए हैं। तो विजय भैया, सुखलाल भैया, भोला चाचा और सारे सम्मानी सिंगरौली जिला से मौजूद हैं, बहुत खुशी मिल रही है। इसी के साथ ही अब आप देखिए क्या बात है, राष्ट्रीय लॉ प्रगला कगरिया समाज महासंघ भारत जिला छिंदवाड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है साथियों, जिस पर भी आपने खूब बहस किया, ठीक है साथियों, लेकिन कार्य तो उन्होंने आपके बैनर तले ही किया है, इसलिए सम्मान तो बनता है। यानी हमारे नोडल महोदय सम्मानीय राजा राम पुलझरिया जी और हमारे प्रमोद बामानिया जी, ये देखिए दोनों नीचे करके एजेंडा का विश्लेषण पढ़ रहे हैं कि हमको क्या बताना है लोगों को, इसका विश्लेषण कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम वहाँ चला, बहुत भव्य कार्यक्रम रहा है। और ये हमारे हैं वकील साहब सम्मानीय सुखराम उइके जी। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, ये जिला छिंदवाड़ा का कार्यक्रम है, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था साथियों, बहुत ही शानदार समय था, नज़ारा था। ये देख लीजिए साथियों जिला कोरबा का कार्यक्रम, अभी हमारे सम्मानी साथी जन कह रहे थे सर की कोरबा में क्या हुआ, तो सर ये देख लीजिए हमारे सम्मानी नोडल महोदय, ये देखिए ये हैं हमारे राजकुमार हिंद जी, बताइए जिला बलरामपुर से कहाँ कोरबा आए हैं, बस स्टैंड, वहाँ से बस स्टैंड से बस पकड़े हैं, दिलहरा दादा को फ़ोन किए हैं, पहुँचे हैं सुबह टाइम, खाने पीने का व्यवस्था दूसरे जगह हुआ, क्या बताएं कितना परेशानी झेल करके हमारे आदरणीय साहब कोरबा की मीटिंग को कल वो किए हैं, उपस्थित हुए हैं, बताइए इनके सम्मान में तालियां बजा लें, बहुत ही शानदार व्यक्ति, बताइए एक बार उन्होंने नहीं कहा कि सर मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी ड्यूटी हटा दीजिए, नहीं कहा साथियों, ऐसे वीर योद्धाओं के जज्बे को नमन। हमारे अध्यक्ष साहब बगल में बैठे हुए हैं, क्या बात है, कहीं मंथन चल रहा है हमारे दादा दिलहरा के साथ इस तरीके से, और महिला शक्तियाँ भी विराजमान हैं, और ये कोरबा में केरा झरिया में ये मीटिंग हुआ था। यानी अगर यह समाज कल्याण समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए हमारे आदरणीय इनका राजकुमार हिंद जी यानी नोडल कार्यकर्ता अधिकारी जिला कोरबा का स्वागत कर रहे हैं सुधराम सर के द्वारा, और हमारे अध्यक्ष साहब ताली भी पीट रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये नज़ारा देख करके। मैं साथियों ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप याद करें उस पल को कि ये क्या दिन रहा होगा, क्या समय रहा होगा, और
इस संगठन के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आपने मार्च माह में इतिहास रच दिया, पूरे भारत स्तर पर आपने हिला के रख दिया, सभी समाज को आपने पीछे छोड़ दिया, आपने वो इतिहास रचने का कार्य किया है। साथियों गर्व करने वाली बात है इस तरीके से। साथियों जब आगे बढ़ते हैं तो क्या बात है, क्या बात है, ये हम उमरिया का नज़ारा देख पा रहे हैं। साथियों हमारे बीच में वहाँ के नोडल अधिकारी कौन कौन है? साथियों हमारे नोडल अधिकारी जो नियुक्त थे हमारे आदरणीय सुखलाल सर थे और राम सरोवर अगरिया जी थे। साथियों अब आप सोचते होंगे कि एक नोडल की दो बार ड्यूटी, जी हाँ साथियों सुखलाल जी वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने दो बार नोडल का दायित्व निभाया है। साथियों जिला सीधी से सिंगरौली गए और जिला सीधी से कहाँ आए, उमरिया आए। उनके साथ हमारे सीधी जिला के उपाध्यक्ष भी रामलाल जी आए हुए थे साथ में, और ये बाकी सारे हमारे देखिए बगल में हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष उमरिया जिले के खड़े हुए हैं। और क्या बात है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ की एक खास बात बता दूँ साथियों, यहाँ तो कोई मक्खी भी नहीं घुस सकता, इतना बड़ा मतलब कड़ा आवरण बना के गया रखे हैं इस सामाजिक संगठन में कि कोई भी इनको हिला नहीं सकता है, इनको विचारधाराओं को कोई तोड़ नहीं सकता है, ऐसा पकड़ बना के रखे हैं पूरे जिले में। ऐसे सामाजिक वीर योद्धाओं को जज्बे को नमन करता है संगठन। यकीनन आप जैसे सामाजिक जैसा कार्यकर्ता हर जिला में अगर हो जाए तो बिल्कुल संगठन ग्रो करने से नहीं रोक सकता। तो ये उमरिया जिला का नज़ारा है साथियों, आप देख लें। इसके साथ ही ये देख लीजिए लोहासुर देवता की पूजा, हम बात पहले ही कह चुके हैं आपको कि जहाँ भी हमारे सुखलाल अगरिया जी मौजूद होंगे वहाँ हथौड़ी शंसी घना सबसे पहले कौन बना, ये चीज़ पहले आपको देखने को जरूर मिलेगा। उसकी पूजा पाठ लोहासुर देवता की पूजा बहुत पहले ही की जाती है। तो इस तरीके के साथियों लोहासुर देवता की पूजा किए हैं और खड़े होके कुछ लोहासुर देवता से कुछ समाज के लिए कुछ मांग रहे हैं। ये देख लीजिए हमारे अध्यक्ष साहब आरती उतार रहे हैं हमारे पूरे अगरिया जनजाति के औजार का, और बाकी सारे महोदय हमारे बैठे हैं पीछे। और ये क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। ये साथियों हमारा कहाँ का है नज़ारा है आप देख पा रहे हैं, जिला कबीरधाम का। साथियों वहाँ हमारे नोडल जरूर नियुक्त थे पर उन्होंने वहाँ पहुँचा नहीं, कोई बात नहीं। पर साथियों लेकिन हमारे कबीरधाम जिला के सम्मानी मित्रों ने इस कार्य को अंजाम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई जिला कबीरधाम के समस्त कार्यकर्ताओं को, अनु भैया को, हरी सर को और पूरे आयोजक पूरा कबीरधाम जिला को जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया। साथियों ये कबीरधाम जिला का ही नज़ारा है, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे और इस सामाजिक उत्थान एवं विकास के लिए उन्होंने चर्चा भी किया। साथियों इसी के साथ कबीरधाम जिला में इतने सारे लोग बैठे हुए थे आप देख लीजिए, कम से कम 40 से 50 लोग बैठे हुए हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एजेंडा सुना, शपथ ग्रहण कार्यक्रम किए, सारा कार्यक्रम गतिविधियां वहां संपन्न हुई। ठीक है साथियों क्या बात है, ये कहां का नज़ारा है क्या देख करके आप समझ ही गए होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार, ये है हमारे सरगुजा जिला का नज़ारा है साथियों। और इन जिनको फूल माला जोरों से पहनाया जा रहा है उनको ब्लॉक ब्लॉक में चयनित किया गया है साथियों। और ये सुबोध कुमार सर है, इन्हीं के नेतृत्व में बगल में देखिए जागे राम सर भी खड़े हुए हैं, क्या बात है। और बहुत खुशी हो रही है, बगल में लाल बहादुर सर भी खड़े हुए हैं देख लीजिए, यानी ये सरगुजा जिला का नज़ारा बहुत ही शानदार है। बधाई दे रहे हैं नवनिर्वाचित सदस्य होने पर, तो इस तरीके का साथियों कार्यक्रम हुआ है वहाँ। और ये देख लीजिए हमारे सम्मानित साथियों को यहाँ भी माला पहनाया जा रहा है, यानी हमारे लाल बहादुर सर को भी इनको ढेरों बधाई ये संगठन उनको देता है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए क्या बात है, इन मैडम को पहचान रहा है कोई क्या? जी हाँ साथियों मैं पहचान रहा हूँ, सुनीता निराला मैडम है। बगल में सुबोध कुमार सर खड़े हुए हैं और बगल में हमारे लाल बहादुर सर खड़े हुए हैं, और मैडम जी बिल्कुल प्रणाम मुद्रा में खड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि मुझे जो जिम्मेदारी दिया गया है मैं उसको शानदार तरीके से निभाऊंगी और समाज के संगठित समाज बनाने में संगठन की ओर से एक अहम भूमिका निभाऊंगी, मैंने ये प्रण ले चुका है। मैडम सुनीता निराला जी यंग वीरांगना है हमारी और आगे पूरी इस संगठन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं और आगे चल के बहुत अच्छी वीरांगना इस समाज के लिए होने वाली है। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लीजिए सरगुजा जिला का ही नज़ारा है, ये साथी को हमारे माला पहनाया जा रहा है, यानी साथियों इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही क्या बात है, क्या बात है, कहाँ का नज़ारा है कोई बता सकता है क्या? कहाँ गए थे हमारे टेकराम सर और हमारे सूरजलाल मरावी जी? जी हाँ साथियों वो गए थे जिला सीधी गए हुए थे हमारे दोनों साथी, जिला उमरिया से सीधी। साथियों बहुत लंबा सफ़र है लेकिन
बिल्कुल भी एक शब्द उन्होंने इनकार नहीं किया साथियों, और एक ही बार में वो तो जिला सीधी गए हुए थे इस तरीके से, और देखिए सीधी जिला पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जा रहा है हमारे सम्मानी सुदेश लाल मरावी जी नोडल महोदय और हमारे टेक रामगरिया सर के द्वारा। वहाँ के अगरिया जनजाति में जितने भी थे, मीटिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ और वहाँ के अध्यक्ष साहब थे हमारे सुखलाल अगरिया जी जिला सीधी के, ये कार्यक्रम वहाँ हुआ है साथियों। इनके लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है इस तरीके से। ये देखिए टेकराम सर ने एजेंडा का क्या शानदार विश्लेषण कर रहे हैं, इनके हाव भाव से पता चल रहा है कि कितना समर्पित भाव से ये एजेंडा को समझा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का हाव भाव ही उसके कार्य करने की शैली को दर्शाता है। तो देख लीजिए बातों से स्पष्ट हो रहा है उनका जो तरीका है बताने का, और बगल में हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं सूर्य लाल मरावी सर, इसके साथ ही क्या बात है युवा साथी हमारे कौन है ये सूरज अगरिया जी जिला शहडोल मतलब इनका नोडल स्थान रहा, वैसे ही अनूपपुर जिला के हैं और शहडोल जिलों में इन्होंने कार्यक्रम को संपन्न कराया। ये देख लीजिए साथियों वहाँ की छवि, वहाँ का नज़ारा। शहडोल जिला में अकेले गए हुए थे, इनके साथ सहायक जो थे हमारे भाई साहब उनके घर में कुछ समस्या हो जाने के कारण नहीं जा पाए, लेकिन सूरज अगरिया जी ने अपने दायित्व का निर्वहन अकेले जा करके वहाँ किया। इनके लिए जोरदार तालियां बजा रहा हूँ मैं, आप भी बजा देंगे उनके सम्मान में। और बगल में देखिए कौन खड़े हैं, राम सरोवर अगरिया जी खड़े हुए हैं और वहाँ की वो जिला अध्यक्ष भी हैं और संगठन उपाध्यक्ष भी हैं, और इतने सारे लोग उस मीटिंग में सम्मिलित थे जहाँ उन्होंने मीटिंग का एजेंडा का विश्लेषण बहुत ही शानदार तरीके से किया। ये देखिए सब बैठे हुए हैं और ये देखिए एजेंडा का ये विश्लेषण भी कर रहे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी आयोजन उन्होंने यहाँ कराया। क्या बात है, इनको देख लीजिए युवा साथियों को बहुत खुशी मिलती है इनको देख करके साथियों। लल्लू अगरिया जी हमारे और हमारे आदरणीय मित्र शोभनाथ, क्या बात है, बहुत खुशी मिल रही है मुझे ऐसे साथियों के नाम लेने में। तो आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए जिला कोरबा में कोरिया में हमारे लल्लू अगरिया जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष नागवंशी जी और हमारे सुखी तगरिया जी हमारे लल्लू भैया का सम्मान कर रहे हैं शोभनाथ सर की। इस तरीके से आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर हमारे नोडल कार्यकर्ता जिला कोरिया के शान, और देख लीजिए कुछ पुरस्कार दे रहे हैं हमारी कन्याओं को जो जिन्होंने शानदार तरीके से स्वागत वंदन गीत पर डांस किया, उनका पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने जिला कोरिया में इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं, ये बात है साथियों, मैं भी पहुंच गया था साथियों, इसलिए छोटा सा क्लिप मैंने भी अपना डाल दिया, ठीक है। ये कोरिया जिला का छोटा सा नज़ारा, मैं भी पहुंचा हुआ था, ये हमारे सूरज अगरिया जी पहुंचे हुए थे। तो ये सूरजपुर कोरिया जिले का नज़ारा था। तो इस तरीके से नागवंशी जी बहुत ही सूझबूझ के कार्य करने वाले व्यक्ति, और हमारे आदरणीय सुखित सर और हमारे अशोक सर वहाँ से बहुत ही मतलब जुझारू व्यक्ति मार्गदर्शन देते रहते हैं, सहयोग देते रहते हैं, इसलिए जिला टॉप में है, नंबर वन में है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हमेशा आयोजित करता है। साथ ही वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा समय वो मिला, अवसर मिला कि मुझे ऐसी वीरांगनाओं के साथ मुझे छवि लेने का फ़ोटो खींचने का अवसर मिला मुझे, इसलिए इस पल को मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिया और आपके सामने मैं इसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों हमारे मेरे बगल में वीरांगना हमारी सोहरी मैडम, हमारी वीरांगना लक्ष्मी मैडम और हमारी वीरांगना दीपा मैडम, क्या शानदार इनके चेहरे तो देखिए साथियों, क्या चमक है, झांसी की रानी लगती हैं, देवी अहिल्या लगती हैं, यानी क्या कहें, मतलब समाज के लिए हमारी ये झांसी की रानियां हैं साथियों, वीरांगना, इसीलिए इनको नाम दिया गया है। इस मार्च के बाद इनका नाम वीरांगना में शामिल हो गया साथियों, मुझे मेरे लिए एक यादगार पल था, इसलिए मैंने इसको कैमरे में कैद कर लिया साथियों। मुझे बहुत ही इनसे प्रेरणा मिलती है, नमन करता हूँ आप लोग को वीरांगनाएं, और हमेशा आपका मार्गदर्शन आपका सहयोग इस समाज को मिलेगा, यही कामना करता हूँ। इसके साथ ही साथियों बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे सभी के बीच में जहाँ अर्जुन भैया बैठे हुए हैं और पीछे हमारी सभी महिला शक्तियाँ बैठी हुई हैं, देख लीजिए, और पीछे हमारी विमला मैडम भी हैं और बगल में देख लीजिए राजमणि मैडम भी बैठी हुई हैं, आदरणीय शोभनाथ सर की वाइफ हैं ये, सुखी सर बैठे हुए हैं, लल्लू भैया बिल्कुल दो उंगली दिखा रहे हैं, स्मार्ट पोज ले रहे हैं, और इधर ये मैडम जी जो बगल में बैठी हैं, ये सिंदूर लगाई हैं, ये इन्होंने बहुत ही शानदार गीत गाया है, अभी आपको इसको देखने को मिलेगा साथियों यूट्यूब पर, इसलिए बहुत ही अच्छा नज़ारा रहा। तो मुझे ऐसे फ़ोटो लेने का अवसर मिला, इसलिए मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है जिला कोरिया से और ऐसी वीरांगनाओं से, नमन करता हूँ। इसके बाद साथियों ये देख लीजिए हमारे आदरणीय दादा
सुबोध, ठीक है जाओ। हमारे आदरणीय, हमारे जागीराम गरिया जी, मैडम सोहरी, और इस तरीके के मुझसे उनके साथ भी फोटो लेने का अवसर मिला, चूंकि मैंने समय को जाने नहीं दिया, ये समय पता नहीं कब मिलता है इस तरीके से, तो ये मैंने इसके साथ ही देख लीजिए। हमारे जिले के जो कोरिया जिले के जो नोडल थे, तो हमारे लल्लू भैया हैं, हमारे शोभनाथ सर हैं, और हमारी राजमणि मैडम हैं, तो उनके साथ मुझे ऐसे सेल्फी लेने का अवसर मिला, तो वो भी मैंने लिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे फोटो लेना, इसलिए मैंने इसको कैमरे में कैद कर लिया। साथियों, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां साथियों। ये महिलाएं, ये वीरांगनाएं, ये जा कहाँ रही हैं इस तरीके से बताइए। ये जा रही हैं साथियों अनूपपुर, क्या बात है, ये अनूपपुर जा रही हैं। देख लीजिए, हमारी वीरांगना मैडम सोहरी खड़ी हुई हैं, वीरांगना मैडम लक्ष्मी खड़ी हुई हैं, और उनकी जेठानी देवरानी जो कोई हैं, और इनको मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। और ये देखिए, हमारे आदरणीय कोर लीडर सर रघुनाथ गरिया जी, हमारे इनके पावन चरण हमारे अनूपपुर जिले की पावन धरती पर पड़ा, और हमारे अनूपपुरवासी धन्य हो गए साथियों। यकीनन ऐसी वीरांगनाओं को अनूपपुर जिला नमन करता है, अनूपपुर जिला के वासी नमन करते हैं साथियों। क्या बात है, ये अनूपपुर जिला की छोटी सी झलक है। मंच पे विराजमान है सुबोध सर हैं, रघुनाथ सर हैं, लक्ष्मी मैडम वीरांगना है, सोरी मैडम है, और देख लीजिए 8, 9, 10 महिलाएँ वीरांगनाएं हमारे मंच पर मंचासीन है, और हमको बहुत ही प्रेरणा मिला साथियों। उस पल को हमने नहीं जाने दिया, कैमरे में कैद कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, हमने छवि लिया वहीं पास मीटिंग कार्यक्रम के दौरान, बहुत अच्छा लगता है। देख लीजिए, लक्ष्मी मैडम है, और वहीं फोटो में दिख रही थी आपको। और इसी के साथ ही ये हैं हमारी सुबोध सर की वाइफ कवित्री मैडम है। नमन करता हूँ मैडम आपकी विचारधाराओं को, आपने बहुत ही अच्छा है, आपका जो विचारधारा रहता है एक नंबर का रहता है, और आपकी बातों में जो शैली है, जो ठहराव रहता है, जो स्थायीपन रहता है, वो खासकर आपके वक्तव्य को प्रभावशाली बनाता है। और सोहरी मैडम को आप पहचानते ही हैं, और ये वीरांगना हमारी मैडम को देख ली, सुनीता निराला, जिनको माला सरगुजा जिला में पहनाया जा रहा था, ये वही है साथियों। और एक बच्ची भी है, और ये बच्ची है हमारे सुबोध सर की, और इस तरीके से साथियों ये फोटो की छवि आपको देखने को मिल पा रही है साथियों। ये अनूपपुर जिला में भोजन चल रहा है, वीरांगनाएं हमारी भोजन कर रही हैं बैठ करके। थोड़ा मोड़ा कार्यक्रम हमने रूखा सूखा किए थे, पर हम क्षमा चाहते हैं जो भी भूल चूक हुई हो अनूपपुर जिला की ओर से, उसके लिए वीरांगनाओं को, पर आगामी दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है, और आपके आशा के अनुरूप ही कार्यक्रम अनूपपुर जिला में होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरांगनाएं, आप हमारे यहाँ खाना खा के गए, यानी हमारी धरती पावन हो गई, बस यही कहेंगे। और ये हमारे सभी साथी, हमारे सुबोध सर, रघुनाथ सर, और ऐसे अनूपपुर जिला से आए बहुत सारे साथी खा के उठ गए हैं, ये दूसरी बार खा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है वहीं अनूपपुर जिला की सुबोध सर, रघुनाथ सर के साथ थोड़ी सी फोटो लेने का अवसर मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देख लीजिए साथियों, ये अनूपपुर जिला में ही रघुनाथ अगरिया जी का स्वागत कर रहे हैं, राजेंद्र अगरिया जी हमारे अनूपपुर जिला से, तो ये आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए, आदरणीय सुबोध अगरिया जी का स्वागत हो रहा है, हमारे भगवान दास अगरिया जी का, इनकी एक छोटी सी वीडियो गाते हुए इन्होंने पोस्ट किया है, अभी राजेंद्र भैया ने ग्रुप में, वो ये वही है जिन्होंने गाना गाया है, इसकी पूरा गाना आपको यूट्यूब में सुनने को मिलेगा, बहुत ही शीघ्र डाला जाएगा, ठीक है। तो ये रघुनाथ, ये हमारे सुबोध सर का स्वागत कर रहे हैं, और ये मैडम जी हैं वहीं आई हुई थी हमारे अनूपपुर जिला में, निराला मैडम के बगल में बैठी हुई थी, शायद सुनीता नाम है या कुछ नाम है, मैं भूल चुका हूँ, वीरांगना मैडम क्षमा चाहता हूँ, भूल हुई होगी नाम बोलने में, तो पर ये है वाकई में बहुत ही अच्छा पल था, बहुत ही शानदार पल था, अनूपपुर जिला पावन हो गया आपके आने से इस तरीके से। ये देख लीजिए, अनूपपुर जिला में ही स्वागत हो रहा है, ये हमारी निराला मैडम, इनका भी स्वागत हो रहा है अनूपपुर जिला में किया जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे पल जो कैद किए हुए हैं। ये वही मैडम है जो फोटो में दिखी थी, और अनूपपुर जिले में आकर के बहुत ही मान सम्मान के साथ है इन्होंने हमारे जिले को उत्साहित किया, नमन करते हैं ऐसी महिला शक्तियों को। ये मैडम कवित्री मैडम हैं, ये कवित्री मैडम जी का स्वागत, सुबोध सर की वाइफ हैं साथियों, बहुत खुशी मिलती है देख करके, मैं बोल ही चुका हूँ इनकी विशेषता, ठहर के बोलते हैं, स्थायित्व बोलते हैं, और बात में काफ़ी दम रहता है इनके, इसलिए बहुत प्रभावशाली, मैं इनका हमेशा से वो रहता हूँ कि कब बोलेंगी और मैं इनको सुनूँ, हमेशा से यही रहता है मेरे अंदर। और इसके साथ ही सुबोध अगरिया जी को हमारे बैज लगाते हुए, हमारे भगवान दास अगरिया जी बैज पहना रहे हैं, और इसी के साथ ही क्या बात है, ये साथियों जिला मंडला का एक नज़ारा है, सबसे पहले दिनांक 4 मार्च 2022 को
पहली मीटिंग संपन्न हुई थी हमारे मंडला जिले में, जहां हमारे नोडल पहुंचे हुए थे सम्माननीय आदरणीय हरिप्रसाद ध्रुवे जी और अन्नू ध्रुवे जी, और बीच में आदरणीय बैठे हुए हैं मणिराम टेकाम जी, मंडला के जिला अध्यक्ष महोदय। इन्होंने उस कार्यक्रम को अंजाम दिया साथियों, सबसे पहले लोगों को उत्साहित किया, एक विकास की धारा में चलने के लिए उन्होंने वो मार्ग बनाया, पहला मार्ग बनाया इन्होंने कि देखो भाई मैंने कर लिया है, अब आप भी कर लो इस तरीके से साथियों। तो ये बड़ा ही सुहाना पल था, पहला मीटिंग था। ये देख लीजिए बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं। रात में पहुंचे थे हमारे कार्यकर्ता कबीरधाम से मंडला, बहुत लंबा सफ़र तय करके गए हुए थे और वहां जाकर के कार्यक्रम को अंजाम दिया। ऐसे साथियों को हम सादर नमन और प्रणाम करते हैं। और ये मीटिंग का एजेंडा चल रहा है, वहां शपथ ग्रहण पर बातें चल रही है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शानदार सराहनीय तरीके से हुआ साथियों। तो आप लोग को उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत खुशी हो रही है, मैं पुनः एक बार बैक हो रहा हूँ आपकी तरफ, और मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा और आपके सम्मान में मैं एक बार पुनः तालियां बजा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही अपार खुशी हो रही है, ऐसी समस्त महिला शक्तियाँ, ऐसे समस्त नोडल कार्यकर्ता, ऐसे समस्त जिला अध्यक्ष महोदय। साथियों अब आप सोचिए कि हमारे मोबाइल में अगर 10 फोटो आ जाए, 50 फोटो आ जाए तो हम उसको डिलीट करते हैं, मोबाइल हैंग हो जाएगा। साथियों मैं कितना भार उठाता हूँ, मेरा मोबाइल कितना भार उठाता है इसको आप देख सकते हैं। मैं सभी को कैद करके रखता हूँ, सभी को समेट के रखता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे देखने पर मुझे खुशी मिलती है साथियों, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्माइल कर लूँ आपको देख करके, उस फोटो में आपके कार्य को देख करके थोड़ा स्माइल कर लूँ, मुझे ये प्रेरणा मिलता है आप लोगों से, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को रखता हूँ और हमेशा एक म्यूजियम तैयार कर रहा हूँ कि हार्ड डिस्क खरीद के सभी जितने भी गतिविधियाँ हैं सभी को रखता जाऊँ और आने वाला जो समय हो जिसमें हमारे बच्चे जब इस समाज में उतरे कार्य करने के लिए, है ना, हमारे बच्चों के नाम हमने भी दे दिया है वीर पुरुष, है ना, हमारे बच्चे जो हैं वीर पुरुष हैं इस समाज के और वही अभी संगठन को संभालेंगे आगे चल के, है ना। तो उन वीर पुरुषों के लिए, है ना, ये जो हम संभाल कर रखेंगे तो उन सब चीज़ों को देख करके उनसे वो प्रेरणा लेंगे साथियों। तो साथियों जिला अध्यक्ष महोदय, समस्त नोडल महोदय, समस्त वीरांगना महिलाएं, महिला शक्तियाँ, आप लोगों के जज्बे और जोश और जुनून को नमन करता है संगठन। आपके अदम्य साहस से ये सामाजिक संगठन पूरे भारत में हिल गया, आप ही की चर्चा हर जगह हो रही है, सोशल मीडिया हर प्लेटफार्म में, हर जगह मौखिक रूप से, फोन में, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है कि वाह ऐसी सामाजिक संगठन में ऐसी महिला शक्तियाँ, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसी वीरांगनाएं मौजूद हैं, तो इस समाज के उत्थान और विकास को कोई रोक नहीं थी। इस मीटिंग के आने से जिला स्टैंड हो गया साथियों, इसके महत्व को समझे। और इसके बाद अब संपूर्ण जिले को लेकर के मेरा जो अनुभव है साथियों, ये कहता है कि आप सभी के जिलों में एक खलबली मच गई है, जागृत हो गए हैं सभी लोग इस कार्यक्रम को देख करके। एक महाकार्यक्रम आपने किया, एक महाअभियान चला दिया पूरे मार्च के महीने में। तो साथियों ये था हमारा कार्यक्रम और आप लोगों को एक बार पुनः आभार, आपने बहुत बड़ा कार्य करके दिखा दिया इस संगठन की ओर से, बड़ा अच्छा लगा सभी से मिल करके, आपके कार्यों को देख करके मैं तो बहुत ही प्रभावित रहता हूँ हमेशा, आप लोगों से क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द ही नहीं रहता यार, हो गया बस यही है कि आपको देख के मन से खुश होता रहता हूँ कि हरी सर देख लीजिए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे, हमारे राम खिलावन सर, सूरज भैया, सुबोध सर, विजय भैया, अनु अगरिया, सभी लोग साथियों क्या बताएं, बहुत खुशी की बात है, बस यही खुशी, यही प्यार, यही सब कुछ बनाए रखिएगा और इसी तरीके से इस संगठन को मत छोड़िएगा, मेरे को छोड़ दीजिएगा, संगठन को मत छोड़िएगा और चलते रहिएगा, है ना, और इसको अंतिम छोर तक जरूर पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।